गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में अपने डेली इंपॉर्टेंट बुलेट कवर करेंगे 3rd एंड 4th मई का। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन डेस्क टू बूस्ट द इकोनॉमी। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा के CM कौन है? बिप्लब कुमार देव। एंड गवर्नर है रमेश बाइस। 2 नेशनल पार्क भी है त्रिपुरा में, जिसका नाम है राजबाड़ी एंड क्लाउडेड लिपर। यहाँ नीरमहर भी है जो रुद्रसागर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस्ड टू रन विच ट्रेन टू मूव माइग्रेंट वर्कर पिलग्रिम्स टूरिस्ट स्टूडेंट स्टैंडर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में जो भी डिफरेंट प्लेसेस में फंसे हुए उसे लाने के लिए कौन सी ट्रेन चलाई गई है? वो है श्रमिक स्पेशल। अब ये फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो ये तेलंगाना के लिगम पटली से हटिया तक चलाई गई है। रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन ओरिजिन गर्ल हु गॉट द ऑनर ऑफ नेमिंग नासा फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर। नासा के फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर का नाम रखने का श्रेय दिया गया है इंडियन ओरिजिन गर्ल का, वो कौन है? वानिजा रूपानी। अब ये क्या नाम रखेगी? ये इनजेन्युइटी नाम रखेगी नासा के फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हर्ट अवार्ड फ्रॉम द एशिया जोन। किसे नॉमिनेट किया गया फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए? तो वो है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे हैज़ डेवलप्ड ए माइक्रोवेव स्टरलाइजर दैट कैन डिसइंटीग्रेटेड COVID-19 वायरस विद इन 13 सेकेंड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्टरलाइजर? माइक्रोवेव स्टरलाइजर, इसमें आप कोई भी चीज़ डालो जिसमें कोरोना वायरस है, जैसे कि कपड़े और कुछ भी, तो उसे ये 30 सेकेंड में ख़त्म कर देगी। इसका नाम है अतुल्य। पुणे में 2021 में इंडियन साइंस कांग्रेस होगा, जो कि 108वां ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड पुणे के म्यूनिसिपलिटी ने एक संयम नाम का भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक ऑफ स्कीम्स आइडिया इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया? वो है MSME, जिसके मंत्री है नितिन गडकरी। हु हैज़ बीन नेम्ड द मेन्स ODI प्लेयर ऑफ द ईयर एट द एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड? कौन है मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर? वो है कैन विलियमसन। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है रिचर्ड हैंडली पुरस्कार, ये दिया जाता है बेस्ट खिलाड़ी को, ओवरऑल जो बेस्ट रहे हैं। तो ये किसे दिया गया है? ये रॉसर टेलर को मिला है। T20 का भी बेस्ट खिलाड़ी रॉसर टेलर को ही दिया गया है। महिलाओं में जो वनडे का बेस्ट खिलाड़ी है वो है सुजी बैट्स, एंड T20 के लिए सॉफी डेविन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस? तो कौन है? ये शोभना नरसिम्हन है। और भी कुछ लोग हैं, जैसे सामिया नसीम जो कि गोरखपुर की है, वो अमेरिका में जज बनी है। श्री श्रीनिवास, ये भी भारत के हैं, अमेरिका में जज बने हैं। मनीषा सिंह, इसे डोनाल्ड ट्रंप ने OECD के एम्बेसडर बना दिए हैं। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि पर्यटन मंत्रालय भी हैं। 2 और भी बुक है, पहला सटलिंग टू द टॉप, जो कि PV सिंधु के जीवन पर है, और इसे कौन लिखा है? इसे कृष्णा स्वामी वी ने लिखे हैं। सेकेंड बुक द आर्ट ऑफ हर डील, ये मेलिना ट्रंप के जीवन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, लॉकडाउन इन इंडिया हैज़ रिड्यूस एनर्जी डिमांड बाई ऑलमोस्ट 10%। भारत में ऊर्जा की मांग कितना परसेंट कम हो गया है? तो वो है 30%। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इन्होंने ये कहा है कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है।
ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.